जयपुर दिल्ली रोड स्थित निम्स अस्पताल में इलाजरत कोरोना मरीजों के ठीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान निम्स विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर अनुराग तोमर ने न्यूज इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि निम्स अस्पताल और निम्स परिवार की ओर से कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज और देखभाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज कोरोना मरीज अब ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में आज 19 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, जिसे पूरे सम्मान के साथ घर भेजा गया है। वह निदेशक डॉक्टर अनुराग तोमर ने निम्स अस्पताल के मैनेजमेंट, अस्पताल प्रशासन, नर्सिंग स्टाफ समेत अन्य कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिया है। आपको बताते हुए हर्ष है, खुशी है कि आज फिर से निम्स अस्पताल परिवार ने 19 कोरोना मरीज को डिस्चार्ज किया है। आप जानते हैं कि मरीज को डिस्चार्ज ऐसे नहीं कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है जब भी वो यहाँ से विदा किए जाते हैं। तो हमारे पास करीब 72 मरीज आए थे, 72, जिसमें से 44 की रिपोर्ट 44 की नेगेटिव आई, उनमें से 19 की सेकंड रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, बाकी की कुछ की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। तो 19 की रिपोर्ट नेगेटिव, सेकंड रिपोर्ट आने के बाद उनको आज डिस्चार्ज कर दिया गया, घर भेज दिया गया पूरे सम्मान के साथ। और मैं यहाँ काबिले तारीफ कहूँगा, जो भी मरीज आए उन्होंने प्रशासन का, निम्स परिवार का, निम्स के डॉक्टरों का, नर्सिंग स्टाफ का पूरा सहयोग दिया और उन्होंने पूरे कायदे कानून में रह के अपना सारा काम किया। किसी भी मरीज ने प्रशासन को कोई तकलीफ नहीं दी। और आप लोगों के सामने मैं आ जरूर रहा हूँ, लेकिन ये काबिले तारीफ मेरे सारे मैनेजमेंट, कॉलेज के डॉक्टर, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी, जो अन्य कर्मचारी रहते हैं, वार्ड बॉय, सफाई वाले, सब उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ निम्स परिवार की ओर से, जिन्होंने मरीजों की सेवा की और मरीज सही हो सके और अपने घर सकुशल चले गए। उनकी सेवा में मैं समझता हूँ हम लोगों ने, हमारे निम्स परिवार ने कोई कमी आने नहीं दी। और सरकार जिस तरीके से आज कोरोना के समय में कार्य कर रही है, सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, सारे प्रशासन का, पुलिस वालों का, मीडिया कर्मियों का, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, अन्य स्टाफ जो भी इस कोरोना के युद्ध में लगे हुए हैं, उनकी मेहनत देख के लगता है भारत जरूर जीतेगा और कोरोना हारेगा।